न्यूज खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, केटीएन खिलाफत न्यूज के विशेष अंक खबरें अखबारों से में आपका स्वागत है। अलग अलग अखबारों ने अपनी किस खबर को किस पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक हिंदुस्तान की। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, महाराष्ट्र राजस्थान समेत कई राज्यों में कहा टीकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, संकट, 1 मई से युवाओं के टीकाकरण पर लगा ग्रहण। दैनिक हिंदुस्तान ने आगे लिखा है दूसरी खबर में, सुविधा लेकर हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगेंगे। वहीं नवभारत टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, टीके के लिए 80 लाख रजिस्ट्रेशन, पहले ही दिन साइट क्रैश की शिकायतें, अपॉइंटमेंट में भी आई दिक्कत। वहीं पर दैनिक जागरण लिखता है, पहले दिन 1.25 करोड़ पंजीयन, 1 मई से टीकाकरण के लिए पंजीकरण को, 18 साल से ऊपर वालों की उमड़ी भीड़। दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी अगली खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। उन्होंने लिखा है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है, लगता है केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहे, रेमडेसिविर प्रयोग करने के नियम पर नाराजगी जताई। वही बड़ी खबर को लिया है टाइम्स, नवभारत टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर, दिल्ली में उपराज्यपाल ही होंगे सरकार। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में अब से सरकार का मतलब उपराज्यपाल होंगे, उनकी मंजूरी के बिना किसी भी तरह का कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले एलजी से मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार की रात इससे जुड़ी दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, ओवर 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड एज वैक्स ड्राइव ओपन्स फॉर 18+, बट नो वे टू बुक अ स्लॉट येट। वहीं पर दैनिक जागरण ने लिखा है कि 1 मई को भारत पहुंचेगी स्पुतनिक वैक्सीन। दूसरी खबर को लिया है दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर, विधायक केसर सिंह का कोरोना से हुआ निधन। आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स ने अपनी एक खबर को और लिया है पहले पेज पर, आखिरी पेज का फेस का मतदान पंचायती चुनाव को लेकर। उन्होंने लिखा है, पंचायती चुनाव पर कोर्ट दे चुका है आयोग को नोटिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं खुद घर पर ठीक हो रहा, अनावश्यक अस्पताल न भागे। वहीं लखनऊ से एक खबर आई है, नवभारत टाइम्स ने इसे अपने पहले पन्ने पर लिया है, लखनऊ में नए केस 4000 से कम हुए, 6000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, विद 3.8 लाख न्यू इन्फेक्शन, एक्टिव केसेस क्रॉस 30 लाख। वहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी इस खबर को लिया है, बिगेस्ट ऑक्सीजन कंसाइनमेंट रोल्स इनटू स्टेट ओटू मॉनिटरिंग सिस्टम किक्स ऑफ। तो हिंदुस्तान ने अपनी इस खबर को भी पहले पन्ने पर लिया है, राहत, यानी कि यूपी में 7 दिन बाद 30,000 से कम नए केस। वहीं लिखा है, हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर कोविड वैक्सीन को लेकर, को वैक्सीन कोविड के 617 रुपयों से लेने में सक्षम। बता दें कि अलग अलग खबरों को अखबारों ने अपने अलग अलग पृष्ठों पर जगह दी। दूसरे पेज पर हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना नियंत्रण कुछ को अच्छा नहीं लग रहा है, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है। वहीं पर संक्रमित मरीजों की 1 घंटे में भर्ती होगी, डीएम ने 8 ब्लॉकों में बनाई डॉक्टरों की टीम, होम आइसोलेशन वाले मरीजों का हालचाल लेंगे। ये बड़ी खबर आई है लखनऊ के लोगों के लिए। वहीं पर बढ़ते हुए तापमान को लेकर हिंदुस्तान ने अपने तीसरे पृष्ठ पर जगह दी है इस खबर को, पारा 41.9 डिग्री, परेशानी और बढ़ी। तो इस तरह से दैनिक जागरण ने अपनी जिन खबरों को दूसरे पेज पर लिया है, वो आपको बता दें कि जरूरतमंदों की मदद के लिए डीएम व सीएमओ को दिए रेमडेसिविर। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र से मिले 16,01,000 वायल, 1 मई से दोगुनी बढ़ोतरी के आस, सूबे में 600 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की रिकॉर्ड सप्लाई। बता दें कि दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है अपने इस पेज पर, जानकीपुरम में ऑक्सीजन की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार, चिन्हट में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सुधर रहे हालात, मृतकों की संख्या घटी है। लखनऊ से खबर आई हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के 7वें पेज में आया है, पंच के बाद प्रधान पद के मतपतों की गिनती होगी, यानी कि 2 मई से 5 राज्यों में और
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्यों में हुए लेकर चुनाव को मतगणना होगी, जिस पर चुनाव आयोग ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और अखबारों में जो सुर्खियां खबरें बन ले रही हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राहत दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मरने वालों के मामले आ रहे हैं, मृतकों के मामले आ रहे हैं, ये खबर आई थी जिसमें आपको बता दें कि टीएम की जो कारगुजारी रही है उसको लेकर इस खबर को अखबारों ने अपने प्रमुख पन्नों पर लिया है, जिसमें शादी समारोह में पहुंचे डीएम ने लोगों के साथ मारपीट की और उनके द्वारा दिखाए जाने वाले उस अनुमति पत्र को भी फाड़ दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने डीएम को सस्पेंड कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से अपने बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन जैसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में कल बैकुंठ धाम में लगभग 269 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर गुलाला घाट पर 50 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सामान्य रोगों से मरने वाले लोगों की भी संख्या है और कोविड से मरने वाले लोगों की भी संख्या है। तो फिलहाल खबरें अखबारों के इस पांचवें अंक में इतना ही। देखते रहिए KTN।